नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसका सोलूशन जो है वो क्या है हम इसको लेट कर लेंगे सबसे पहले y के इक् रख देंगे इसको तो ये बन ए माइनस एक्सर ए प्लस एक्स का रूट रेडिकल फॉर्म से इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं वन ओवर टू पावर बन जाएगी ये सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर टेन किया था अब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वन बाय टू स्टार्ट में ये जो पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी वन बाय टू और ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स वन बाय टू में से माइनस वन हो जाएगा और डेरीवेटिव आप क्या लेंगे पावर के नीचे जो रकम है वो कौन सी है ए माइनस एक्स और डीवाई बाई डी एक्स वन ओवर टू ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स तो ऐसे ही वन ओवर टू में से माइनस वन करेंगे तो माइनस वन ओवर टू बार बार मैं पीछे बता के आया हूं इधर जो है वो हम डेरीवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल लगेगा नीचे वाली रकम का स्केयर डेरीवेटिव जो है वो आप लेंगे पहली रकम फर्स्ट दूसरी रकम वैसे ही माइनस अब यहाँ पे ए माइनस एक्स वैसे ही और डेरीवेटिव हम लेंगे किसका सेकेंड रकम का ए प्लस एक्स का डी वाई बाय डी एक्स वैसे ही वन बाय टू ये जो है माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू हो जाएगा अगर हम नीचे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली रकम को नीचे लिख देते हैं तो यहाँ पे ए का डेरिवेटिव ए एज कांस्टेंट है तो ए का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो माइनस वन क्योंकि माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा इसको मैंने ब्रैकेट में लिख देता हूँ और ए प्लस एक्स वैसे ही उसके बाद माइनस का साइन ए माइनस एक्स वैसे ही और ए का डेरिवेटिव जीरो प्लस एक्स का वन नीचे जो है वो ए प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अब यहाँ पे वन बाय टू अब सेपरेट कर देंगे ए प्लस एक्स की पावर वन बाय टू को सेपरेट ए माइनस एक्स की पावर वन बाय टू को सेपरेट माइनस वन जो है अंदर के साइन चेंज कर देगा माइनस ए माइनस एक्स हो जाएगा इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस एक्स और ये भी अंदर के साइन माइनस जो है ये वाला साइन भी अंदर के साइन चेंज कर देगा माइनस ए एंड प्लस एक्स हो जाएगा और जीरो प्लस वन 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 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए प्लस एक्स का स्क्वायर जो है वो हम वैसे ही लिख देते हैं माइनस और प्लस जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे वन बाय अब जो है ए प्लस एक्स की पावर वन बाय टू है इधर ए प्लस एक्स की पावर टू है दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो है आपकी जो है वो एक्सपोनेंट या पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी माइनस ए और माइनस ए क्या आएगा माइनस टू एवर ए माइनस एक्स की पावर वन ओवर टू जो है ये आपके पास रूट में आप जो है वो इसको लिख देंगे और ये जो है ये वाली रकम और ये वाली रकम अगर आप गौर करें इन दोनों वैल्यूज को a प्लस एक्स और a प्लस एक्स दोनों जो हैं ये सेम बेसिस हैं और ये डिवाइड हो रही हैं तो अब हम क्या करते हैं ये इनकी पावर्स हैं वन बाय टू और टू ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो आप जरा देखें यहाँ पे a प्लस एक्स ये क्योंकि नीचे ला रहे हैं इसलिए ये टू यहाँ पे रहेगी जो नीचे आ रही है वो आके माइनस हो जाएगी माइनस वन बाय टू तो ये टू और ये टू आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे आंसर क्या आएगा माइनस ए यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स और यहाँ पे जो है वो थ्री माइनस थ्री बाय टू आंसर आ जाएगा टू माइनस वन बाय टू एलसीएम टू फोर माइनस वन थ्री बाय टू तो ये आपका आंसर है ये मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया टू माइनस वन बाय टू का आंसर थ्री बाय टू आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हम इसको जो है वो लेट कर लेते हैं वाई के और ये जो है वो उसके रूट जो है ये हम दोनों रकमों का इकट्ठा ले लेते हैं और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसके रूट को हम खत्म करके पावर वन बाय टू कर देते हैं उसके बाद जो है वो हमारे पास हमने डिफरेंशिएट करना है तो हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन जो है यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इस y की जगह पे ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी वन बाई टू हो जाएगा और एक्स स्यर प्लस वन और एक्स स्यर माइनस वन पावर में से एक माइनस हो जाएगा आप डेरिवेटिव लेंगे किसका एक्स केयर प्लस वन ओवर एक्स केयर माइनस वन का पावर के नीचे वाली रकम का यही डेरिवेटिव का तरीका है पावर रोल का पावर स्टार्ट में रकम लिख के पावर में से एक माइनस कर देते हैं और जो पावर के नीचे वाली वैल्यू होती है उसका हम आगे डेरिवेटिव ले, ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही वन ओवर टू एक्स स्र प्लस वन एक्स स्र माइनस वन यहाँ पे वन ओवर टू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन ओवर टू हो जाएगा और इधर हम डेरिवेटिव ले लेंगे नीचे वाली रकम का स्केयर डेरिवेटिव किसका लेंगे हम ऊपर वाली रकम का एक्सकेयर प्लस वन नीचे वाली रकम सेकेंड रकम वैसे माइनस अब फर्स्ट रकम वैसे डेरिवेटिव हम लेंगे किसका नीचे वाली रकम का एक्स स्केयर माइनस वन अब जो है वान वान वो वन ओवर टू ये वही माइनस वन ओवर टू है वही ट्रिक अब लगाएंगे कि नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे कर देंगे ये एक्स स्केयर प्लस वन हो जाएगा और ये एक्सकेयर माइनस वन ऊपर तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाए एक्स केयर माइनस वन का स्केयर नीचे वाली रकम वैसे ही अब ये जो है डेरिवेटिव लेना जीरो अब मैं डायरेक्ट टू एक्स लिख रहा हूँ और एक्स केयर माइनस वन वैसे ही माइनस एक्स केयर प्लस वन वैसे ही और इस पूरी रकम का जो डेरिवेटिव है वो क्या है टू एक्स है जरा गौर कीजिएगा इस रकम का डेरिवेटिव टू एक्स है ये वाली रकम वैसे ही इस रकम का डेरिवेटिव लेना है वो टू एक्स है बाकी वैल्यूज वैसे ही लिखी गई है उसके बाद हम क्या करेंगे वन बाय टू ये सेपरेट कर देंगे एक्स स्केयर माइनस वन की पावर वन बाय टू ये हो जाएगा और एक्स स्केयर प्लस वन की पावर वन बाय टू ये हो जाएगा अब जो है ये टू एक्स और ये टू एक्स क्या हो जाएगा ये कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से ये मैं दोबारा आपको मेंशन कर देता हूँ ये दोनों टू एक्स है दो वैल्यूज में से तो ये कॉमन आ जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्केर माइनस वन और ये जो माइनस का साइन है ये जब अंदर जाएगा तो ये जो है वो दोनों के साइन चेंज कर देगा ये माइनस एक्स केयर हो जाएगा एक्सकेयर पॉजिटिव का है ये साइन इधर कुछ नहीं है जिसके ना हो वो पॉजिटिव होता है प्लस वन ये क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा एक्स केयर माइनस वन का स्क्वायर एक्स केयर और माइनस एक्सकेयर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे ये मैं अब आपको मैंशन कर रहा हूँ ये एक्स केयर माइनस वन और ये भी एक्सकेयर माइनस वन बेसिस सेम है आप इनकी पावर्स देख सकते हैं ये क्या है ये पावर्स जो है वो डिफरेंट है तो वही आपके पास ये रूल है एक्स की पावर m बाय एक्स की पावर एन तो ये हो जाता है एक्स की पावर m माइनस एन हम जो है वो यही रूल लगाएंगे ये माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ऊपर माइनस टू और ये साथ में जो x बच गया ये यहाँ पे लिखा जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज उतारते जाएंगे नीचे और ये एक्स स्केयर प्लस वन का ये जो स्केयर है इसको आप जो है अब दोबारा स्केयर रूट की फॉर्म में जो है वो लिख देंगे ये स्केयर रूट लिख दिया उसके बाद ये एक्स स्केयर माइनस वन ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस टू एक्स और एक्स स्केयर प्लस वन वैसे ही X one, का आंसर क्या आ जाएगा थ्री बाय टू तो ये जो है सिर्फ हमने इसका आंसर जो है ये थ्री बाय टू लिखा है तो ये आपका जो है ये आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का हेलो अब जो है हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर फोरटीन को जो है वो सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना है तो हमारे पास सोल्यूशन है हम सबसे पहले जो है वो इसको लेट कर लेंगे वाई के इक्वल वैल्यू है हमारे पास वन प्लस एक्स का स्केयर रूट माइनस वन माइनस एक्स का स्केयर रूट ओवर वन प्लस एक्स का स्क्र रूट प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। अब जो है हम क्या करते हैं ज़रा गौर से देखिएगा हम जो है वो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं ऊपर वाली रकम के साथ भी और नीचे वाली रकम के साथ भी तो जो है वो ज्यादा इजी है कि आप जो है वो इस रकम की साइन जो है वो नीचे वाली की भी आप चेंज कर सकते हैं मैंने बताया आप ऊपर वाली की भी चेंज कर सकते हैं वन प्लस एक्स जो है वो प्लस वन माइनस एक्स और इधर वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स ये ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर जो है वो क्या होगा वो ये बन जाएगा ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो नीचे जो है वो सेम है ये बन जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस वन माइनस एक्स का स्केयर रूट और इन दोनों का स्केयर क्यों ये स्केयर बनेगा ज़रा गौर कीजिएगा ये सेम दोनों हैं ये दोनों वैल्यू सेम है तो अगर इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दूं इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये एक और ये एक क्या हो गया टू हो गया अब यहाँ पे जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर तो ये आपके पास जो है ये फार्मूला है तो ऐसे ही ये जो है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी तो ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो जाएगा तो ए यहाँ पे है वन प्लस एक्स का स्केयर रूट उसका स्केयर माइनस वन माइनस एक्स का स्केयर रूट उसका स्केयर अब जो है वो y इज इक्वल टू यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट कैंसल यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट कैंसल वन प्लस एक्स माइनस इंटू वन माइनस एक्स यहाँ पे ये यह बच जाएगा हम पहले सिंपलीफाई कर रहे हैं डेरिवेटिव हम नहीं ले रहे वन प्लस एक्स का स्केयर रूट प्लस वन माइनस एक्स का स्केयर रूट और होल का स्केयर अब जो है हम देखते हैं यहाँ पे y इज़ इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस जो है वो इन टर्म्स जो अंदर हैं उनके साइन चेंज कर देगा ये जो है वन पॉजिटिव का था नेगेटिव हो गया ये नेगेटिव x है तो ये प्लस एक्स हो गया ओवर वन प्लस एक्स का स्क्र रूट प्लस वन माइनस एक्स का स्केयर रूट और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्केयर प्लस वन और माइनस वन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और नीचे जो है वो हम फार्मूले को जो है वो ओपन कर देते हैं ये एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स अब जो है हम क्या करते हैं जब हमने फार्मूले को ओपन किया तो ये फर्स्ट रकम का स्केयर वन प्लस एक्स का स्केयर मैं ये फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ ए प्लस बी का स्केयर होता है इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर तो हम जो है वो ये लगाएंगे प्लस ए स्केयर मैं इस कंडीशन में लगाऊंगा वो इजी हो जाएगा हमारे लिए वन माइनस एक्स का स्केयर रूट प्लस टू फिर ए ए क्या है आपके पास वन प्लस एक्स और बी क्या है वन माइनस एक्स देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी वाई इज इक्वल टू टू एक्स ओवर ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसल ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसल यहाँ पे बच जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस ये टू देखिये यहाँ पे वन प्लस एक्स ये बच गया प्लस वन माइनस एक्स ये बच गया प्लस टू और ये जो दोनों स्केयर रूट हैं ये दो हैं स्केयर रूट और दरमियान में अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो हम जो है इसको जो है वो एक स्के रूट में क्लोज कर सकते हैं एक स्के रूट बना सकते हैं ये मैंने एक्स के रूट में लिख दिया प्लस एक्स और माइनस एक्स जो है यहाँ पे कैंसल हो जाएगा टू एक्स ओवर वन प्लस वन कितना हो गया टू एक ये वन है और एक ये वन है वन प्लस वन टू आगे है प्लस टू यहाँ पे फार्मूला वही लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्र माइनस बी का स्क्यर इस जो है वो अंदर पे ये फार्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा वन का स्केयर वन नहीं होता है मैं एक दफा लिख देता हूं माइनस एक्स का स्केयर ये बन जाएगा नेक्स्ट क्या होगा ऊपर टू एक्स है इन दोनों में से टू क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे टू बाहर चला गया वन यहाँ पे टू बाहर और ये बच गया यहाँ पे वन का स्केयर जो है वो वन माइनस एक्स पे जो है ये टू और टू कैंसल हो जाएंगे बच जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट तो ये जो है जब आपके पास फाइनल जो है वो ये वैल्यू बच जाएगी तब आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है हम करेंगे डिफरेंशिएट अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स डी बाई डी एक्स इधर एक्स और वन प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वायर अब जब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है तो आप गौर करें कि ये आपके पास क्वेश्चन है ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है तो ये आपके पास जो है ये क्वेश्चन रूल है और ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर दो फंक्शन हो f और g f का कलर ये है g का कलर मैंने ये किया हुआ है अब जो है अगर आप देखें तो f का डेरिवेटिव लेना है g वैसे ही रखना है प्लस f अब वैसे ही रखना है और डेरिवेटिव g का लेना है क्वेश्चन रोल भी सेम ऐसे ही है मगर यहाँ पे फर्क क्या है वो जरा समझ लें प्रोडक्ट रूल में जो है वो यहां पे प्रोडक्ट होती है और क्वेश्चन रूल में जो है वो ये डिवाइड होते हैं और क्वेश्चन रूल जो है उसमें क्या होता है ऐसे ही आपने एफ का डेरिवेटिव लेना है जी वैसे ही अब प्लस की जगह पे माइनस का साइन आता है एफ वैसे ही और डेरिवेटिव ऑफ जी अब एक और जो है वो चेंजिंग क्या होती है ओवर जी स्केयर नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसका स्केयर लेते हैं तो ये प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल जो है हम बार बार इस्तेमाल करेंगे इसीलिए मैं जो है वो बार बार बता रहा हूँ अब जो है हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख देते हैं एंड देन जो है वो क्वेश्चन रोल के लिए हमने क्या करना होता है कि नीचे वाली रकम नीचे वाले फंक्शन का जो है वो क्या ले लेना है ले लेना डेरिवेटिव जो है वो जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी इसका डेरिवेटिव और ये जो वैल्यू है वन प्लस वन माइनस एक्स का स्केयर का स्केयर रूट ये आपने वैसे ही ले लेना है इसका डेरिवेटिव नहीं लेना माइनस अब एक्स वैसे ही और डेरिवेटिव आपने लेना है वन प्लस वन माइनस एक्सर तो ये आपके पास जो है ये तमाम वैल्यूज आ गई क्वेश्चन रूल के मुताबिक जो आपने करना था डेरिवेटिव आपने जो है वो सिर्फ दो जगह पे लेना है एक डेरिवेटिव ये लेना है ऊपर वाली वैल्यू का या ऊपर वाले फंक्शन का और एक डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है नीचे वाले फंक्शन का बाकी जो है वो वैसे ही एज इट इज जो है वो आपने लिख देनी है चलें स्टार्ट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे जो है वो आपने x का डेरिवेटिव वन होता है वो लिख देना है वन प्लस वन माइनस एक्स के स्केयर का स्केयर रूट ये आपने ऐसे ही नीचे लिख देनी है माइनस एक्स मैं यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव लेने से पहले एक थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ ये वन है प्लस ये जो है ना वन माइनस एक्स के स्केयर का रूट इसको जो है वो रेडिकल फॉर्म से जो है वो एक्सपोनशियल फॉर्म में जो है वो लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो है वो वन प्लस वन माइनस स्केयर के स्केयर रूट का स्केयर हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है डी वाई एक्स। तो यहां पे आपने करना है ये जो है ना चले मैं यहाँ पे एक स्टेप कर देता हूं कि ये जो है ना नीचे वाली जो वैल्यू है ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको मैं ना बाहर लिख लेता हूं बाहर से क्या मुराद है वन ओवर वन प्लस वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट और ये स्केयर ये वाली वैल्यू बाहर लिख देते हैं अंदर जो है वो बच जाएगा ये वन जो है अंदर मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा क्या बच जाएगा वन प्लस वन माइनस एक्स डेरिवेटिव अंदर लेना जब वन का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव जीरो प्लस जब इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा जब इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर है वन बाय टू ये वन बाय टू जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी पावर वो लगेगा वन माइनस एक्स स्केयर तो यहाँ पे वन बाय टू माइनस वन हो जाएगा एक पावर माइनस और डेरिवेटिव आपने लेना है पावर के जो नीचे वैल्यू है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है तो ये आपकी जो है ये इक्वेशन ये यह बनेगी यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख दी ऐसे ही ये वन प्लस वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्केयर अब यहाँ पे है वन प्लस स्केयर रूट में वन माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स ये जो है वो जीरो जो है ये लिखा नहीं जाएगा ये एक्स है देन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाय टू और वन माइनस एक्स स्केयर वन बाई टू माइनस वन अगर हम यहाँ पे हल करें वन बाय माइनस वन क्या होगा टू एल्सियमसू माइनस वन बाय हाफ में से माइनस वन तो बड़ी वैल्यू वन है तो माइनस वन बाई टू यहाँ पे आ जाएगा तो अंदर जो है वो डेरिवेटिव लेना है वन का वन का डेरिवेटिव जीरो और यहाँ पे डेरिवेटिव माइनस एक्स स्केर का माइनस टू एक्स देन जो है वो डी वाई बाय डी नीचे वाली रकम जो है ना वो हमने बाहर निकाल ली है ये जहन में रखिएगा इसलिए नहीं मैं लिख रहा मैं स्टार्ट में ही उसको लिख देता हूँ वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्र के स्केयर रूट का स्केयर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस वन माइनस एक्स स्केयर अब जरा गौर कीजिएगा कि चले बाद में वो बात समझा देता हूँ कि ये जो है वो माइनस एक्स ओवर टू ये जो है ना माइनस वन बाई टू जो पावर है जब हम इस पूरी वैल्यू को जो है वो नीचे ले आएंगे तो ये माइनस वन बाई टू जो है ये क्या हो जाएगी प्लस वन बाय टू हो जाएगी वन माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स अब जो है वो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स यहाँ पे हो जाएगा तो अब जरा देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स एंड वन ओवर वन प्लस वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर देन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस वन माइनस एक्स स्केयर अब ये माइनस और ये माइनस दो साइन हैं आपस में चेक करें ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये एक्स और ये एक्स एक्स स्केयर हो जाएगा ये टू और ये टू जो है ये कैंसिल हो जाएंगे तो सारे सोल्व गए हर चीज को हमने जो है वो डिस्कस कर लिया ये जो है ये बच गया ये वन बाय टू जो है इसको हम दोबारा जो है वो ऐसे रेडिकल फॉर्म में जो है वो लिख देंगे एक्सपोनेंशियल से अब जो है यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स वन ओवर वन प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम वन माइनस एक्स इसके नीचे कोई रकम नहीं है तो इसलिए ये रकम जो है वो इन दोनों के साथ इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई आएगी क्योंकि एक्स केयर के नीचे है तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी तो जब वन माइनस एक्स केयर का स्केयर रूट जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी वन माइनस एक्स केयर का स्केयर रूट प्लस अब यहाँ पे क्या होगा वन माइनस एक्सकेयर का स्केयर रूट और वन माइनस एक्सकेयर का स्केयर रूट जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे वन माइनस एक्स केयर का स्केयर रूट और वन माइनस एक्सकेयर का

वन माइनस एक्स स्केयर के स्केयर रूट का स्केयर दें जो है वो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर एंड प्लस एक्स स्केयर ये वाला ये जरा और कीजिएगा ये वन माइनस एक्स स्केयर बात की और ये प्लस एक्स स्केयर क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट जो है वो कैंसल हो चुके हैं तो ओवर वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट यहाँ पे हम देखते हैं माइनस एक्स स्केर और प्लस एक्स स्के प्लस वन है इसको जो है वो मैं पहले लिख देता हूँ वन प्लस ये वाली रकम जो है वो बाद में लिखता हूँ स्केयर रूट वन माइनस एक्स केयर और ये नीचे जो है वन प्लस वन माइनस एक्स स्केयर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है ये दोनों वैल्यू सेम है जरा नोट करें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो मैंने कलर किया है ये स्केयर है मगर यहाँ पे इसकी पावर वन है और ये वाली वैल्यू हमने अभी लिखनी है वन माइनस का स्केयर ये दो थे ऊपर एक है ये वाली वैल्यू और ये एक कट जाएगा क्योंकि नीचे दो थे ऊपर एक ऊपर और ये नीचे कैंसल होके यहाँ पे जो है वो क्या बच जाएगा वन ओवर आप जो है वो क्या करते हैं इस वैल्यू को जो है वो पहले लिख देते हैं वन माइनस और ये वाली वैल्यू जो गई है एक वन प्लस एक्सर रूट ये आपका जो है तो ये दो तरीकों से जो है, ये होता था. तो हमने जो है वो रैशनलाइजेशन की है प्लस और प्लस के साथ अगर आप माइनस और माइनस के साथ करेंगे तो और आंसर आएगा दोनों आंसर पीछे दिए गए हैं ये भी आंसर पीछे गिवन है और उस तरह करने से जो आंसर आता है वो भी आंसर गिवन है दो आंसर पीछे गिवन है एक हमारा जो है हमने जिस तरीके से किया ये वैसे आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तो हमने क्या किया है इसको लेट कर दिया के इक्वल एक चेंजिंग की हमने ये एक्स जो है वो ये सेपरेट लिख दिया है और ये जो पूरी वैल्यू ना इसको एक्स के रूट के अंदर जो है वो हमने लिख दिया अब क्या होगा कि इसके ऊपर जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाईट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट साइड पे टी बाय डी एक्स ये बाय और राइट right साइड पे है डी बाय डी एक्स क्या है एक्स और ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स होल का सिक्योर रूट ये समझ लिया एफ है और ये फंक्शन जी है डेरिवेटिव लेने से पहले जो है वो हम थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ये एक्स है और ये जो है ना आपकी जो सेकंड फंक्शन है इसको हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिख देते हैं वन तो अब जो है हम क्या करते हैं डी बाय डी एक्स और यहां पे वाई तो यहां पे हो जाएगा डी वाई एक्स यहां पर जो है वो आप डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट फंक्शन का एक्स का और ये जो सेकंड फंक्शन है ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा माइनस नहीं आएगा अब एंड प्लस देन जो है वो यहाँ पे x और देन जो है d बाई डी एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स वन बाय टू अब जो है यहाँ पे डी बाई बाय यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा वन a प्लस एक्स ए माइनस एक्स तो ये वन बाय टू हो जाएगा प्लस ये एक्स वैसे ही अब ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी वन बाय टू और पावर में एक माइनस हो जाएगा वन बाय टू में से वन हम माइनस कर देंगे डेरिवेटिव क्या होगा पावर के नीचे जो वैल्यू है ये इसका जो है वो हम डेरिवेटिव ले लेंगे ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स अब नेक्स्ट जो है वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स की पावर वन ओवर टू प्लस वैसे ही ये एक्स वैसे ही वन ओवर टू ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स वन ओवर टू माइनस वन हमने जो है वो इसको बहुत दफा सॉल्व किया हुआ है वन ओवर टू माइनस वन क्या होता है टू वन माइनस टू माइनस वन ओवर ये हो अब नेक्स्ट जो है ना अगर आप गौर करें इस वैल्यू की हमने डेरिवेटिव लेनी है तो क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा क्वेश्चन रूल क्या होता है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्केयर लेना होता है हमने डेरिवेटिव लेना होता है ऊपर वाले फंक्शन का ए प्लस एक्स नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ए माइनस एक्स एंड देन जो है अगर आप यहाँ पे जो है वो देख लें ये आपका ऊपर वाला फंक्शन है और ये आपका नीचे वाला फंक्शन है तो देन जो है यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाते हैं अब ऊपर वाला फंक्शन ए प्लस एक्स वैसे ही और डेरिवेटिव हम लेंगे ए माइनस एक्स का तो ये जो है वैल्यू ऐसे हम लिख देते हैं नेक्स्ट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स की पावर वन बाय टू प्लस यहाँ पे होगा एक्स बाय टू तो ये माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू हो जाएगा अगर आप इनकी जगह चेंज कर देते हैं इन दोनों की आप जगह चेंज कर देते हैं मतलब ए माइनस एक्स ऊपर चल जाए और ए प्लस एक्स नीचे आ जाए तो ये माइनस वन बाय टू से प्लस वन बाय टू हो जाएगा अब जो है हम डेरीवेटिव लेते हैं जरा और करें यहाँ पे टू टर्म्स है एक ए है और एक यहाँ पे प्लस एक्स है तो जब हम a का डेरिवेटिव लेते हैं तो a एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है a का डेरिवेटिव जीरो प्लस x का वन तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन और a x वैसे ही आ जाएगा ये जो a x है इसका डेरिवेटिव नहीं लेना ये वैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट क्या होगा माइनस ऐसे ही a x वैसे ही लिख देंगे ये जो a x है ये वैसे डेरिवेटिव a का 0 x का यहां पे 1 और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स का स्केर नेक्स्ट है यहां पे dy वाई बाय तो ये जो है ना आपने क्या काम करना है कि ये जो आपके पास पावर है ना ये वन बाय टू ये आपके पास दो फंक्शन हैं एक ऊपर और एक नीचे तो इनकी पावर जो है ये आपने अलग अलग कर देनी है ऐसे जैसे a प्लस एक्स की पावर वन बाय टू अलग और a माइनस एक्स की पावर वन बाय टू जो है वो अलग कर देनी है सेपरेट कर दिया आपने बाय टू ऐसे ही आपने इधर कर देना a माइनस एक्स इधर आप ऊपर है तो उसकी पावर वन बाय टू हो जाएगी और यहाँ पे a प्लस एक्स की पावर भी वन बाय टू हो जाएगी तो जीरो प्लस वन वन तो वन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा a माइनस एक्स तो ये जीरो माइनस वन माइनस वन तो ये माइनस वन जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए प्लस एक्स यहाँ पे बन जाएगा ए माइनस एक्स का स्केयर तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स जो है ये कैंसल हो जाएंगे डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एक्स की पावर वन बाय टू और यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर वन बाय टू प्लस एक्स बाय टू और ये जो है a प्लस ए कितना हो जाएगा टू ए ए प्लस एक्स की पावर वन बाय टू ये वैसे ही जरा गौर कीजिएगा a माइनस एक्स और a माइनस एक्स दोनों के बेसिस सेम हैं और इनके ये जो क्वाफिशेंट हैं इनके जो ये एक्सपोनेंट हैं, ये एक्सपोनेंट वन ओवर टू और टू ये डिवाइड होने की वजह से ये हो जाएंगे। ये दोनों अब वैल्यूज़ आपस में सोल्व होंगे ये टू आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा डी वाई बायस तो a प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू ए माइनस एक्स की पावर वन ओवर टू प्लस यहाँ पे ए और एक्स बच गया यहाँ पे ए प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू और यहाँ पे ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू आप हल करें टू माइनस वन ओवर टू को तो टू टू आर फोर माइनस वन तो ये बन जाएगा थ्री बाय टू इसलिए ये जो है थ्री बाय टू लिख दिया अब जो है वो ये वाली जो वैल्यू है आपकी ये एलसीएम आ जाएगी ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी एलसीएम आ जाएगी डी वाई बाय डी एक्स ये एलसीएम आ जाएगा ए प्लस एक्स की पावर वन बाय टू और ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू ये जरा और कीजिएगा कि मैं नीचे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये आपके पास है ए प्लस एक्स की पावर वन बाय टू ये एलसीएम है और साथ में है a माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू ये एलसीएम इसको जो है वो मैं टू टाइम्स लिख रहा हूँ एक इधर लिख रहा हूँ एक फिर इसके नीचे लिख रहा हूँ वन बाय टू क्यों लिख रहा हूँ जरा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं ये बात ये मैंने जो एलसीएम है ना ये आपका जो एलसीएम आया है ये इसी को मैंने टू टाइम्स लिखा है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इससे मतलब ये जो है यहाँ पे आ जाता है a माइनस एक्स की पावर वन ओवर टू एक इससे डिवाइड करना एक इसी से डिवाइड करना इस वैल्यू दो बटे हैं ना तो एक जो है वो इससे डिवाइड होगा और एक इससे तो एक जो है वो ये बन जाएगा यही वैल्यू a प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे इधर वन आंसर आ जाएगा तो वन जो है वो ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर ए एक्स ही आ जाएगा लेकिन इधर क्या सीन होगा ये a प्लस एक्स वन ओवर टू ये नीचे है ही नहीं है ये तो ऊपर लाजमी मल्टीप्लाई होगा पहले a plus X की पावर है, ये भी मैं एक दफा लिख देता हूँ एक तो ये है ही है एक तो ये इसने जो है ये ऊपर रहना ही रहना है तो ये है वन ओवर टू एक a प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू इसने तो कैंसिल होना ही नहीं है एक इसने जो है वो ऊपर साथ इसके जाना है ये तो ये भी मैं इसके साथ लिख देता हूं एक ये वाला और एक ये जो बच गया ये वाला a प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू अच्छा अब ये दोनों आपस में सोल्व होंगे ये कैसे सोल्व होंगे ये हम इधर कर लेते हैं a माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू माइनस वन ओवर टू ये कैसे a माइनस एक्स अगर आप गौर करें तो ये a माइनस एक्स है ये भी a माइनस एक्स है इन दोनों की पावर थ्री बाय टू है और यहाँ पे वन ओवर टू है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं बेसिस सेम में डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी जो वो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी ये माइनस हो जाएंगी अब हमारे पास जो है वो ये इसको सोल्व करने से क्या आता है थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू टू एल्शियम थ्री माइनस वन टू बाय टू तो क्या आता है वन मतलब जो आपके पास वैल्यू हासिल हो रही है वो हो रही है ए माइनस एक्स की पावर वन हम इसको सिंपली ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं तो यहां पे जो वो मल्टीप्लाई वैल्यू होगी वो होगी ए माइनस एक्स तो ये जो है आपका जो है ये सारा सीन ऐसे बनेगा नेक्स्ट क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स ये आपस में जो है ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स ये सेम है इनकी जो है वो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस दफा ऐड हो जाएंगे तो वन बाय टू प्लस वन बाय टू कितना होता है टू एल्शियम वन प्लस वन टू बाय टू तो ये भी क्या होगा वन होगा तो इसलिए ए प्लस एक्स तो क्योंकि मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा तो ए माइनस एक्स वैसे प्लस ए एक्स वैसे और नीचे जो वैल्यू है ए प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू और ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू डी वाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स तो वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू ये वन होता है इसलिए लिखा नहीं जाएगा ए माइनस एक्स वैसे प्लस ए एक्स और ए प्लस एक्स इसको जो है वो वन ओवर टू को दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूँ ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू और जो है वो इसको जो है वो आप फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर ऐसे ही ये ए प्लस एक्स है और ए माइनस एक्सएगा ए स्केयर माइनस एक्स ये वैसे ही जरा गौर करें इनको हल करने से ये फार्मूला हासिल हुआ बाकी जो है वो वैल्यू सारी वैसे ही लिख देंगे ए प्लस एक्स का स्केयर रूट एंड ए माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू डी वाई बाय डी एक्स तो ये था आपका आंसर